अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सवा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम पटियाला शलवार बनाएंगे। व्यूवर्स, मैं आपके साथ इस वीडियो में पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। व्यूवर्स, पटियाला शलवार बनाने के लिए हमने लीलन का फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर हमने कपड़ा लिया, जितना हमारी शलवार का कपड़ा होता है। और ये मैंने शलवार के लिए कपड़ा कटिंग कर ली है। व्यूवर्स, हमने अपनी जो शलवार है वो 38 इंच तक हमने तैयार करनी है, 38 इंच तक। आप अपने हिसाब से जितनी तैयार करना चाहते हैं उतनी मेजरमेंट लीजिएगा। और ये मेरे पास बड़े बर का कपड़ा है, इस कपड़े का जो बर है वो 50 इंच तक है। और ये देखें, मैंने सारा इसको सेट करके रखा हुआ है। डबल वाली साइड मेरी तरफ है और ये किनारी वाली साइड, सिंगल वाली साइड उस तरफ है। ये देखें, डबल कपड़ा हमने रखा हुआ है और इसके बर को भी हमने डबल करके रखा हुआ है। सारी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मैं इसकी मेजरमेंट करके आपको बताती हूँ। तो ये किनारी वाली साइड से हमने शलवार की लंबाई ली है और ये मैंने 31 इंच तक ली है, 31 इंच तक। और ये देखिए, इस तरफ से बर की जो चौड़ाई है वो 25 इंच तक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा खुली शलवार रखना चाहते हैं तो आप अपनी शलवार के सेंटर में, जैसे हम आम शलवार में म्यानी डालते हैं, वैसे आप और कपड़ा ऐड कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा प्लेट डालना चाहते हैं, मैं इतनी प्लेट डाल रही हूँ, या फिर आपके छोटे बार का कपड़ा हो तब भी आप इसके अंदर और कपड़ा डालकर शलवार आप काफ़ी खुली रख सकते हैं। और ये देखें व्यूवर्स, इसकी किनारी वाली साइड को मैंने अपनी तरफ कर लिया है क्योंकि इस तरफ से हमने इसकी कटिंग करनी है। और इसकी आसन जो है वो मैं 15 इंच तक तैयार करूँगी, 7 इंच तक हम ऊपर वाले बेल्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैं 8 इंच तक रख रही हूँ। और ये देखें, पेंचे वाली जो हमारी साइड है, इस साइड से मैं यहाँ से 18 इंच तक पर निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ से आपने 5 से 6 इंच कम ही रखना है पेंचे वाली साइड से। ज़्यादा हमने पेंचा तंग नहीं रखना क्योंकि पेंचे वाली साइड पर भी हमने प्लेट्स डालने हैं। तो मेरी ऊपर वाली साइड से शलवार 25 इंच तक खुली थी तो मैंने नीचे वाली साइड से इसे 18 इंच तक रखा है, यानी 7 इंच तक मैंने कम रखा है। इतना कपड़ा ये देखें, इस तरह तिरछी शेप में मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पेंचे वाली साइड से भी हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे और हमारी जो शलवार की दोनों साइड हैं वो लैदा लैदा हो जाएंगी। ये देखिए, हमारी शलवार की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही इजी इसकी कटिंग है। और इसके बाद हमने ये बेल्ट के लिए कपड़ा लिया, इसकी लंबाई हमने 19 इंच तक ली है, 9.5 इंच तक हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो हमारा जो बेल्ट है वो 7 इंच तक तैयार होगा, 2 इंच तक हमारा ऊपर वाली साइड से इलास्टिक की तरफ चला जाएगा और 1.5 इंच तक हमारा प्लेट वाली साइड से सिलाई में आएगा कपड़ा। ये देखिए, हमने किनारी वाली साइड से इसे डबल करके रखा है। ये देखिए, सारा हमने सेट कर लिया है। ये हमने मैंने इसकी बेल्ट की लंबाई आपको मेजरमेंट करके बता दी है, 9.5 इंच तक हमने कटिंग की है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 26 इंच तक ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी हिप से 4 से 5 इंच तक एक्स्ट्रा बेल्ट कटिंग करिएगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा साइड पर कर देती हूँ। और ये हमारा बेल्ट है तो बेल्ट को हम सेंटर से इस तरफ से लंबाई वाली चौड़ाई वाली साइड से हम कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा बेल्ट भी अब कटिंग हो गया है। हमने शलवार भी बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया, आप इस तरह से बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप शलवार की कटिंग भी कर सकते हैं और अपने बेल्ट की भी। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। बेल्ट ये देखें, दोनों तरफ से कटिंग था, कटिंग हमने किया हुआ था, एक तरफ से किनारी और एक तरफ से वैसे हमने कटिंग कर लिया था अपनी लंबाई लेकर। तो हम पहले इसको दोनों तरफ से स्टिच कर लेते हैं। और व्यूवर्स, इसके ऊपर हमने इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर आप वैसे ही फोल्ड कर सकते हैं इलास्टिक के लिए। अगर आपको इलास्टिक लगाना नहीं आता तो उसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इलास्टिक लगाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये देखिए, हमने इसका सेंटर कर लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ की सिलाइयाँ हमारी बराबर आएंगी। तो हमने बेल्ट के साइड पर इस तरह से कट लगा लेने हैं और इस तरफ हम इलास्टिक लगा लेंगे और दूसरी तरफ से हम इसे स्टिच कर लेंगे अपनी शलवार के साथ। और ये देखिए, सबसे पहले हम शलवार की आसन जो है उसे स्टिच करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी आसन को भी हमने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेकर स्टिच कर लेना है।
दोनों तरफ की जो हम मेरी आसन है उसे हमने स्टिच करने के बाद जैसे हमने बेल्ट के सेंटर में सिलाइयाँ एक कट लगाए हैं वैसे हमने इसके सेंटर में भी लगाने हैं ताकि हमारी जो बेल्ट और शलवार है वो दोनों बराबर आएँ, हमारे प्लेट्स भी बिल्कुल बराबर आएँ, जितने हमारे फ्रंट पर प्लेट्स आएँ उतने हमारे बैक साइड पर भी आएँ। ये देखें इसकी भी हमने दोनों आसन को बराबर रख कर, ये देखें इसकी साइड पर जो कपड़ा आएगा उसे हमने इस तरह से छोटा सा हमने यहाँ पर कट लगा लेना है। अब इसके बाद हमारी ये आसन वाली सिलाई है और बेल्ट को हमने लेना है और यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। ये देखिए बेल्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों सिलाइयों को हमने इस तरह से बराबर रखना है और यहाँ से अब हमने 2 इंच तक आसन से हमने छोड़कर प्लेट डालने स्टार्ट करने हैं। व्यूवर्स आपने प्लेट्स का जो रुख है वो एक तरफ ही रखना है। ये देखिए मैं प्लेट्स का रुख अपनी तरफ रख रही हूँ और आपने और प्लेट्स का सेंटर में मैं 1 से 1.5 इंच का गैप ले रही हूँ, 1.5 इंच का गैप ले रही हूँ। आप 1 इंच भी ले सकती हैं अगर आपका बेल्ट इससे कम हो। मैं यहाँ से 1.5 इंच के फासले पर 1 इंच की 1 इंच का प्लेट डाली हूँ, एक प्लेट 1 इंच का डाली हूँ, उसके बाद 1.5 इंच का गैप लेके नेक्स्ट प्लेट 1 इंच का डाली हूँ। इस तरह से हमने पूरी इस शलवार पर प्लेट्स डालते जाना है। एक साइड पर मैं आपको ये प्लेट्स डालने सिखा रही हूँ। ये देखें हमने जो कट लगाए हैं वो हमने बिल्कुल बराबर रखने हैं ताकि हमारे फ्रंट और बैक साइड के जो प्लेट हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ। और व्यूवर्स यहाँ पर आपने ये देखे इस तरह से प्लेट एक रुख को डालते जाना है, जब दूसरी साइड से हम डालेंगे तो हम प्लेट्स का जो रुख है दूसरी तरफ करते जाएंगे। अभी हम प्लेट्स का रुख अपनी तरफ कर रहे हैं, बाद में हम प्लेट्स का रुख दूसरी तरफ करेंगे ताकि हमारे दोनों साइडों के जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ। लेकिन हमने एक साइड जब हमने ये शलवार की एक साइड पर प्लेट्स डालने हैं तब हमने प्लेट्स का रुख एक तरफ ही रखना है। ये देखिए हमने यहाँ पर सेंटर कट से हमने दूसरी तरफ प्लेट्स डालने स्टार्ट नहीं किए, हमने एक तरफ ही ये देखिए डालते जा रहे हैं एक साइड की शलवार पर। ये एक तरफ मैं सारे आपको प्लेट्स डालकर से दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये देखिए हमारी यहाँ से अब बेल्ट की और आसन की जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर आ गई है। अब हमने प्लेट्स का रुख जो है वो आसन की तरफ करना है और इस तरफ भी हमने सेम ऐसे ही एक तरफ रुख करके सारी इस साइड की शलवार पर भी हमने प्लेट्स डाल लेने हैं। और ये देखिए सारी शलवार पर हमने इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं। ये देखें अब इसके बाद हम इसके बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें सारे मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 1-1 इंच के बड़े बड़े हमने प्लेट्स डाले हैं क्योंकि हमारे जो शलवार है उसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने उसी हिसाब से प्लेट डाले हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चौड़ाई चाहिए हो तो आप और कपड़ा ऐड कर सकती हैं, क्योंकि कपड़ा मैंने बड़े बढ़ कर लिया था तो इसकी चौड़ाई इतनी होनी थी। अब ये देखें सारा हमने जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है जिस कपड़े को, उस कपड़े को हमने बेल्ट की तरफ कर देना है जो नीचे वाली साइड पर हमारा कपड़ा है, और इसके ऊपर हमने एक पैर की सारी हमने सिलाई लगा लेनी है पूरे बेल्ट के ऊपर। ये देखें सिलाई लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पर मैं लास्टिक लगा लूँगी और इसके पेंचे को अब हम रेडी करते हैं। पेंचे वाली साइड पर भी ऐसे हमने प्लेट्स डालने हैं, लेकिन पेंचे वाली साइड पर जब आपने प्लेट्स डालने हैं तो ऊपर वाली साइड की आपने शलवार की तरफ जैसे आपने बेल्ट की तरफ प्लेट्स का रुख रखा होगा वैसे ही आपने पेंचे की तरफ रुखना है। आपने ये नहीं करना कि अगर आपका जो शलवार है उसके प्लेट्स का रुख आसन की तरफ है तो आप इसका रुख दूसरी तरफ कर दें, दोनों का रुख आपका एक तरफ ही होना चाहिए। अगर आसन की तरफ है तो पेंचे वाले प्लेट्स का रुख भी आपने आसन वाली साइड पर करना है। ये देखिए और यहाँ पर आपने जो प्लेट्स डालने हैं वो भी आपने 1-1 इंच के डालने हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेट्स बिल्कुल साथ जोड़ कर लगाने हैं क्योंकि हमने पेंचा यहाँ से मैं 5 इंच का तैयार करने वाली हूँ। इस तरह हम खुला मेजरमेंट करेंगे तो 10 इंच तक, डबल हम करेंगे तो 5 इंच तक मैं पेंचा तैयार करूँगी। आप अपने हिसाब से अपनी हिसाब से जितना चाहें पेंचा ले सकते हैं। अब इसके बाद इसके साइड से मैं ये 2.5 इंच तक कपड़ा ले रही हूँ लंबाई में और एक पैर तक उसे फोल्ड कर रही हूँ। यह आपने उल्टी वाली साइड पर इसे फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है।
अब इसके बाद हम इसके पैंचे पर लगाने के लिए बुकरम रेडी कर लेते हैं। तो इस बुकरम को मैंने प्रिंट कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच तक ली है और इस बुकरम की लंबाई हमने 10 इंच तक कटिंग की है। और ये मेरे पास प्रिंट कपड़ा था तो मैंने प्रिंट लगा लिया और जितना आपने बुकरम लगाना है उतना ही आपने कपड़ा इसके साथ छोड़ना है ताकि हमारा बुकरम इसके अंदर कवर हो जाए। और व्यूवर्स, इस तरफ किनारी थी तो मैंने बराबर इसे रखा। अगर आपकी किनारी ना हो तो आप इस तरफ भी 1/2 इंच तक कपड़ा रखिएगा और उसे फोल्ड कर लीजिएगा ताकि धागे वगैरह ना निकलें और बहुत सफाई के साथ और फिनिशिंग के साथ हमारी पेंचे की ये बुकरम पट्टी तैयार हो। अब ये देखिए, हमने इसे उल्टा कर लिया, इस कपड़े को, प्लेन कपड़े को हमने नीचे रखा और ये देखें साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया। इस तरफ से भी हमने बुकरम की ये देखें सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ साथ ताकि हमारा घूम पट्टी जो है वो तैयार हो जाए। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी अच्छे से नोक निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम इसकी पट्टी के ऊपर वाली साइड पर इस तरफ किनारे की सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को अपनी शलवार के साथ अटैच कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसके सेंटर में अपनी शलवार को रखना है और शलवार को हमने इस तरह से सीधा रखना है ताकि हमारा जो प्रिंट वाला डिज़ाइन है वो सीधी वाली साइड पर आए। इस तरह सीधी शलवार को आपने इसके सेंटर में रखते जाना है इस पट्टी के, और आपने इसके ऊपर इस तरफ भी किनारे की सिलाई लगाते जाना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही प्यारी शलवार हमारी जो है वो रेडी होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये पहनी हुई। अगर आपको गोल दामन कमीज़ इसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। वहाँ पर आपको शलवार के और भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन, कैपरी डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो आप एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा। ये देखिए, हमने सारी ये पट्टी इस तरह से लगा ली है। यहाँ से आपको अब अच्छे से प्लेट्स भी नज़र आ रही हैं, हमने बिल्कुल साथ साथ रख कर यहाँ से प्लेट्स डाली हैं। अब इसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच का चाक छोड़ा है, 1 इंच की हमारी पट्टी है और 1 इंच हमने इसकी तरफ नीचे की तरफ छोड़ दिया चाक जो हमने फोल्ड किया था उस कपड़े को। अब इसके बाद हमने 1 से 1.5 इंच तक कपड़ा लेकर आसन तक इसे स्टिच कर लेना है और इसके पेंचे पर जो हमने चाक छोड़ा है वहाँ पर हम टिच बटन लगा लेंगे। तो ये हमारी शलवार जो है वो रेडी है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।